कूदो तुम हो अति बड़ भागी, जो गोपियां हैं वो मतलब कृष्ण जी उनसे मिलने वापस नहीं आए तो बहुत वो दुखी हैं। इस नहीं सूरदास के इस सूरदास के पदों में ये कब किस समय का वर्णन किया है बताओ। सीधा थोड़ा ना आप पढ़ना शुरू कर दोगे, आप बताइए पहले कि कब किस समय का वर्णन इन पदों में किया गया है। नहीं पता मैम, जब कृष्ण जी गोपियों से वादा करके मथुरा गए थे जब का, फिर वो वहां से वापस आने वाले थे लेकिन वो वापस ना आए तो मतलब ये इंतजार करते करते गुस्सा हो गया, वापस नहीं आए और उद्धव के हाथ उन्होंने योग का संदेश दिया। ठीक है चलो करो। उदो तुम हो अति बड़ भागी, तो जो उदो हैं जो उनके लिए संदेश लेने आए हैं गोपियां उन्हें कहती हैं कि उद्धव तुम बहुत भाग्यशाली हो, और फिर वो उसके बाद बताती हैं कि अप्रस रहत स्नेह तगाते। एक मिनट एक सेकंड, अब वो उनको बड़भागी कहती हैं, वो उनको सच में भाग्यशाली कह रही हैं या व्यंग्य कर रही हैं? उन्हें उनके नजरिए से देखे तो उन्हें वो भाग्यशाली ही कह रही हैं, क्योंकि उनकी नजरिए में क्या है कि जो कृष्ण जी के मन से जुड़ा हुआ नहीं है, मतलब उनके मन में समाया नहीं है, तो वो भाग्यशाली है क्योंकि वो फिर मुक्त हो जाते हैं। गुड चलो। अप्रस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। अब वो कहते हैं कि तुम भाग्यशाली हो क्योंकि तुम इस प्रेम के बंधन में अभी तक बंधे नहीं हो। पुरैनी पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। अब वो एग्जाम्पल देते मतलब उदाहरण की कहती हैं कि तुम कमल के फूल की तरह हो जो जल में रह के भी जल का प्रभाव अपने ऊपर पड़ने नहीं देता, एक भी बूंद को अपने ऊपर टिकने नहीं देता। फिर वो कमल का पत्ता जो जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। ऐसे वो एक और उदाहरण देती हैं कि जैसे तेल की गागरी होती है उस पे भी पानी की एक बूंद नहीं समाती। फिर वो कहती समाती नहीं बेटे, समाती नहीं है, समाना तो अंदर टिकती। प्रीति नदी में पाव ना भोरियो दृष्टि न रूप परागी। अब वो कहती हैं कि तुम प्रीति नदी के पास रहकर भी प्रेम की नदी के पास रहकर भी उसमें पाव नहीं डुबा रहे हो। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो प्यागी। अब वो अपना एग्जाम्पल देती हैं कि हम अबला हैं भोरी हैं और हम उन चीटी के समान हैं जो गुड़ से चिपक जाती हैं, और वो एग्जाम्पल देती हैं कि जिस तरह गुड़ से चीटियां चिपक जाती हैं उसी तरह गोपियों का प्रेम कृष्ण जी से लिपटा हुआ है। ठीक है और कौन करेगा? श्रेया। यस मैम। श्रेया नेक्स्ट वाला करो। आपको कुणाल की मम्मी। हाँ चलो बोलो स्टार्ट करो। मन की मन ही मांज रही। इन पंक्तियों में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि उनकी जो मन की बात है वे मन में ही रह गई है। कहिए जाए कौन पे उधो ना ही परत कही। वह कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती थी परंतु अब वह नहीं कह पाएंगी। वह उद्धव जी को अपने संदेश देने का उचित माध्यम नहीं समझती हैं। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। अब गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि श्री कृष्ण आएंगे, श्री कृष्ण के इतने समय से लौटकर आने की आशा थी, इसीलिए हम हर प्रकार से वियोग सह रहे थे। अब इन जोग संदेश सुनी सिर्फ इसी आशा में वियोग सह रहे थे कि हमें पूरी उम्मीद पूरी आशा थी कि श्री कृष्ण जो वादा करके गए हैं वह लौटकर अवश्य आएंगे। अब इन जोग संदेश सुनी सुनी बिरहन बिरह दही। उसके बाद गोपियां उद्धव जी से कहती हैं
कि परंतु श्री कृष्ण ने हमारे लिए योग संदेश भेजकर हमें और ज्यादा दुखी कर दिया है। हम विरह की आग में और ज्यादा जलने लगी हैं। चाहती होती गुहारी जितहिते उत्ते धार भई। वे कहती हैं कि ऐसे समय में कोई अपने रक्षक को पुकारता है जो हमारी रक्षा कर सके, परंतु जो हमारे रक्षक हैं वही आज हमारे दुख का कारण है। सूरदास अब धीर धरी क्यों मर जादा न लही। उसके बाद गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि अब हम धीरज क्यों धरे और कैसे धरे, जब हमारी आशा का एकमात्र तिनका, मतलब उन्हें केवल श्री कृष्ण से आशा थी, जब वह तिनका भी डूब गया तो वह धीरज क्यों धरे। प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम जो प्रेम करे उसको बदले में प्रेम ही मिले, परंतु श्री कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है और इस मर्यादा का उल्लंघन किया है। क्या छल किया? कि मथुरा जाके वे वापस ना आए। उन्होंने वादा किया था गोपियों से, परंतु उन्होंने उसके बदले योग संदेश भेज दिया।